पूरी रात आ गए, मुझे नींद नहीं आई। मैच वाले बेड पर सो रहा था और हम लोग के घर के ऊपर से आगे टक टक की आवाज आ रही थी। मुझे लग रहा है कि आगे सिंचन और चौपी थे। एक काम करता हूँ, जल्दी से ऊपर जाकर देखता हूँ। आजकल लॉस सैंटोस के अंदर आ गए काफी ज्यादा चोरियां हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे हम लोग के घर से कोई चीज चोरी हो गई हो। मगर नहीं आ गए, यहाँ पे तो सारी की सारी चीजें पड़ी हुई है। इसका मतलब है कि आगे सिंचन और चौपी थे। सिंचन और चौप की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूँ। मगर ये लोग हैं कहाँ पर? ऊपर तो आएगा, ये लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक काम करता हूँ, चौप के पास जाके देखता हूँ। आई होप के सिंचन और चौप यहीं पर होंगे। मगर नहीं आ गए, यहाँ पर तो चौप भी नहीं और ना ही यहाँ पर सिंचन है। तो फिर ये लोग कहाँ पे जा सकते हैं? एक तो मैंने सिंचन को इतनी दफा बोला गया, जब भी बाहर जाए मुझे बता के जाया करे, मगर सिंचन तो मुझे बताता है नहीं। अभी मुझे जल्दी से सिंचन और चौप को ढूंढने के लिए जाना होगा। जल्दी से अपने गैराज से मस्त वाली गाड़ी को निकालता हूँ। मगर वेट है गाइस, सिंचन और चौप तो यहाँ पे खड़े हैं। अबे सिंचन और चौप, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? अरे भाई सिंचन बहुत ही ज्यादा उदास है यार। क्यों भाई सिंचन, क्या हुआ? अरे यार मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूंगा। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन ये घास काटने वाली मशीन को क्या कर रहे तू? अरे यार आप सब लोग बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं किसी से भी कोई भी बात नहीं करूंगा। लेकिन सिंचन हम लोगों ने ऐसा क्या कर दिया? अरे यार आपने मेरी सारी की सारी आरसी कार्ड बेच दी। सिंचन मैंने तो कोई भी आरसी कार्ड नहीं बेची, और ये तू कर क्या रहा है? अरे यार मैं सुबह सुबह मेरे आरसी कार्ड चलाने का बहुत ज्यादा दिल करा था, मगर हमने मुझे कोई भी आरसी कार्ड मिली नहीं। लेकिन सिंचन मैंने तुझे और चौप को 6-7 आरसी कार्ड गिफ्ट तो की थी। अरे यार हमने, मगर अभी हम लोग के घर में कोई भी आरसी कार्ड नहीं है। अच्छा वो तो ठीक है, मगर सिंचन ये तू किसको चला रहा है? आज के बाद ये घास काटने वाली मशीन मेरी आरसी कार्ड है। हमने मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, अभी मैं इसको चलाऊंगा। अच्छा अच्छा सिंचन एक सेकंड, वापस तो आ जा। अरे यार हमने मैं वापस नहीं आऊंगा, हमने मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मैं किसी से कोई भी बात नहीं करूंगा। यार गाइस सिंचन पे तो मुझे कुछ ज्यादा दुख हो रहा है। आप लोग देख रहे हो कि यार गाइस ये कौन सी मशीन को चला रहा है? सिंचन एक सेकंड वापस तो आ जा। नहीं आऊंगा हमने, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अपनी आरसी कार के साथ खेल रहा हूँ। मगर सिंचन ये कैसी आरसी कार है? इसके ऊपर तो तेरे हाथ भी नहीं पहुंच रहे। लेकिन यार हमने मैं क्या करूँ, मेरी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है, मैं अपने सर से इस वाली आरसी कार को चलाऊंगा। सिंचन ये आरसी कार नहीं है, घास काटने वाली मशीन है, एक सेकंड वापस तो आ जा। अच्छा ठीक है मैं वापस आता हूँ, मगर हमने मैं आप सब लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। सिंचन देख मेरे होते हुए तू इतनी ज्यादा टेंशन क्यों लेता है? अरे यार हमने, क्योंकि मेरी आरसी कार तो है नहीं। सिंचन तू एक काम करके इस घास काटने वाली मशीन को अंदर खड़ा कर। अरे नहीं यार हमने, मैं इसको नहीं अंदर खड़ा करूंगा, हाँ मैं ये मेरी आरसी कार है। अबे यार सिंचन ये आरसी कार नहीं है, घास काटने वाली मशीन है। लेकिन यार हमने मेरे पास आरसी कार नहीं है, तो फिर मैं किसको चलाऊंगा? मैं दिलाऊंगा सिंचन, मैं तुझे बहुत ही ज्यादा ओपी आरसी कार दिलाऊंगा, तू बस एक सेकंड इस वाली मशीन को यहाँ पे छोड़ दे। अच्छा ठीक है भैया, मैंने मशीन को तो छोड़ दिया, अभी आप मुझे बताओ कि आप मुझे आरसी कार दिलाओगे क्या? सिंचन मैं तुझे बहुत ही ज्यादा ओपी आरसी कार दिलाने वाला हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि रात को हम लोग के घर के ऊपर टक टक की आवाजें तुम कर रहे थे क्या? अरे भाई मुझे भी रात को आवाजें आ रही थी, मुझे लगा था कि आप कुछ कर रहे हो यार। नहीं यार चौप, मैंने तो कुछ नहीं किया। अरे भाई इसका मतलब ये कि हम लोग के घर में चोरी हो गई यार। लेकिन चौप ऊपर तो सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है। अरे यार हमें सारा का सारा सामान पड़ा हुआ है, मगर हमें चोर हम लोग की आरसी कार को चुरा के ले गया। ये किस तरह का नूबड़ा चोर है, सारी की सारी चीजों को छोड़ के सिंचन और चौप की आरसी कार को चुरा के ले गया? कौन हो सकता है गाइस, ये वाला चोर हो कौन सकता है? हम लोग के घर के अंदर इतनी ज्यादा महंगी चीजें पड़ी हुई है, मगर अगर चोर ने किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ सिंचन और चौप की आरसी कार को ले गया जो कि यहाँ पे पड़ी हुई थी। अभी मुझे सिंचन को नई आरसी कार दिलानी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा था कि सिंचन बेचारा घास चलाने वाली मशीन को आरसी कार समझ के चला रहा है। इससे ज्यादा दुख की बात क्या ही होगी। मुझे तो लगा सिंचन में बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। सिंचन और चौप तुम लोग यहीं पे रुको। अरे आप कहाँ पे जा रहे हो यार? चौप मैं सिंचन के लिए आरसी कार लेने जा रहा हूँ। अरे यार हमने क्या, आप सच में मुझे आरसी कार दिलाओगे? हाँ सिंचन मैं तुझे आरसी कार दिलाऊंगा, लेकिन तुमने रोना नहीं है। अरे ठीक है अमित भाई, अभी मैं नहीं रोऊंगा, हमने अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ठीक है सिंचन, अभी बस तू देखते जाके मैं तुझे लॉस सैंटोस की कैसी कैसी आरसी कार दिलाता हूँ। अरे भाई एक आरसी कार मुझे भी दिला देना यार। चौप यार तू क्या करेगा आरसी कार को? अरे बस चलाऊंगा और क्या करूंगा यार। अच्छा चल ठीक है, एक आरसी कार मैं तेरे लिए लेकर आऊंगा और 3-4-5 आरसी कार्स मैं सिंचन के लिए लेकर आऊंगा। अरे यार हमें क्या, सच में मुझे 4-5 आरसी कार्स दिलाओगे? हाँ सिंचन मैं तुझे आज 4-5 आरसी कार्स दिलाने वाला हूँ, क्योंकि यार सिंचन जब तू इस घास चलाने वाली मशीन को चला रहा था तो मुझे देख के कुछ ज्यादा ही बुरा लगा है। सिंचन की हाइट भी छोटी है, तो यार उसके हाथ तो यहाँ तक ऊपर तक पहुंचते नहीं है। अपने सर से सिंचन इस वाली मशीन को चला रहा था। मेरे होते हुए सिंचन ऐसा दिन तुम लोग के ऊपर नहीं आएगा। एक सेकंड तुम लोग यहीं पे वेट करो, तुम लोग मेरी गाड़ी की पीछे वाली जगह देख रहे हो ना? अरे मैं पीछे वाली जगह पे बैठ जाऊंगा यार। अबे नहीं यार चौप, तुमने बैठना नहीं है, मैं बस तुम लोग को ये बता रहा हूँ जब तक मेरी गाड़ी की पीछे वाली सारी की सारी जगह आरसी कार से भर नहीं जाती ना, मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। अरे भाई इसके पीछे तो 4-5 आरसी कार आ जाएंगी यार। चौप यार 5-6-10 जितनी भी आरसी कार आएंगी मैं लेकर आऊंगा, लेकिन अपनी गाड़ी की पीछे वाली सारी की सारी जगह को मैं भर के लेकर आने वाला हूँ। अरे मैं वाकई में सिंचन सुबह से बहुत ज्यादा रो रहे हैं, मैं सिंचन को आरसी कार देनी होगी यार। दूंगा चौप, सिंचन को मैं आरसी कार दूंगा। और गाइस ये आरसी कार का लास्ट एपिसोड होने वाला है। इस वाले एपिसोड के अंदर हम लोग लॉस सैंटोस की सबसे ज्यादा ओपी आरसी कार्स को लेकर आएंगे। मुझे पता है कि लॉस सैंटोस के अंदर 5-6 बहुत ही ज्यादा ओपी आरसी कार्स हैं। आज मैं सारी की सारी आरसी कार्स को लेकर आने वाला हूँ, और फिर सिंचन उन वाले आरसी कार्स को हम लोग अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अरे यार हमें वो तो ठीक है, मगर हम लोग को चोर का भी पता लगाना होगा, कहीं ऐसा ना होगा चोर हम लोग की नई वाली आरसी कार्स को चोरी कर ले। हाँ वैसे सिंचन बात तो तेरी भी ठीक है, एक काम करता हूँ कि सबसे पहले लेस्टर को कॉल करता हूँ। अरे हमेटी सुबह सुबह कॉल कर दी, लेस्टर हम लोग के घर में चोरी हुई है। अरे हमेटी क्या क्या चोरी हुआ है? सिंचन की 5-6 आरसी कार्स चोरी हो गई है। अरे हमेटी बंद करो फोन। अबे लेस्टर बात तो सुनो मेरी। अबे यार गाइस इसने तो कॉल काट दी, एक सेकंड में इसको दोबारा कॉल करता हूँ। अबे लेस्टर नुबड़े कॉल क्यों काट दी? हमेटी मुझे लगा था कि पता नहीं क्या चीज चोरी हो गई होगी, तुमने बोला कि आरसी कार चोरी हो गई। लेस्टर उसमें से एक आरसी कार जेना के पास से मैं चुरा के लेकर आया था, जो कि पूरे के पूरे 1 करोड़ की थी। हमेटी इसका मतलब तुम्हारे घर में 1 करोड़ की चोरी हुई है? हाँ ना लेस्टर 1 करोड़ की चोरी हो गई है। तुम जल्दी से पता
पता लगाओ कि मेरे घर में चोरी किसने की है और उसकी लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दो। अच्छा ठीक है, आमेटी अभी करता हूँ। चोर की लोकेशन तो आएगा लेस्टर हम लोग को भेज देगा, लेकिन अभी सिंचन और चौप के लिए मुझे आरसी कार्ड को लेकर आना है। अभी आरसी कार्ड मुझे मिलेंगी कहाँ पर? सबसे पहले मुझे सिमियन के पास जाना होगा, क्योंकि सिमियन के पास भी काफी ज्यादा ओपी आरसी कार्ड होती है। आज मैं एटलीस्ट 5-6 आरसी कार्ड सिंचन और चौप के लिए लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है सिंचन 5 साल का बच्चा है और सिंचन के पास खेलने के लिए कोई और चीज तो होती नहीं है, तो वो आरसी कार्ड के साथ खेलता है। मगर पता नहीं हम लोग के घर में चोरी किसने की है। छोड़ूंगा नहीं जाएगा, जिसने भी चोरी की है वो बचेगा नहीं मुझसे। लेकिन अभी मुझे आएगा जल्दी से सिमियन के पास जाना है। अभी पता नहीं सिमियन अपने शोरूम पे होगा भी या फिर नहीं। वैसे नॉर्मली तो आएगा सिमियन अपने शोरूम पर ही होता है, मगर आज जाएगा सिमियन की छुट्टी है। अगर तो मुझे सिमियन नहीं मिला तो आएगा मुझे आरसी कार्ड नहीं मिलेगी। एक काम करता हूं कि सिमियन के शोरूम की बैक साइड पर जाके देखता हूं। ये रहेगा सिमियन यहां पे खड़ा हुआ है। अबे बेटे ये वाली गाड़ी तो बहुत मस्त है। हां सिमियन ये वाली गाड़ी काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन देखो मुझे भी आरसी कार्ड चाहिए। आमेटी मेरे पास एक आरसी कार्ड है तो सही। अबे यार सिमियन कितनी अच्छी खबर दी है, जल्दी से जाके वो वाली आरसी कार्ड ले आओ। अरे नहीं नहीं आमेटी वो मेरे बेटे की है। तुम्हारे बेटे की है तो फिर तो मुझे वो बेच दो। आमेटी 1,00,000 रुपए की दूंगा। अबे सिमियन आरसी कार्ड 1,00,000 रुपए की दोगे? हां ना आमेटी 1,00,000 रुपए की दूंगा। अच्छा एक काम करोगे, जल्दी से अपनी आरसी कार्ड लेकर आओ, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देता हूं। ठीक है मैं अभी लेकर आता हूं। एक आरसी कार्ड का बंदोबस्त तो हो गया, लेकिन आज जाएगा मैं लॉस सेंटर्स की सारी आरसी कार्ड को सिंचन और चौप को देने वाला हूं। एक भी आरसी कार्ड आएगा हम लोग मिस नहीं करेंगे। आप लोग एक काम करोगे, जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। हां बेटी कहां पे चले गए? आ रहा हूं सिमियन आरसी कार्ड को लेकर आ गए हो क्या? हां बेटी आरसी कार्ड लेकर आ गया। ए यार गाइस ये वाली आरसी कार्ड तो कुछ ज्यादा ही ओपी है। हां ना बेटी तभी तो 1,00,000 रुपए की है। लेकिन ये चलती भी है या फिर नहीं? अरे चलती है, क्यों नहीं चलती? इसका रिमोट कहां पर है? तुम चलाओगे क्या? हां मैं पहले इसको चला के टेस्ट करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सिंचन और चौप को ये वाली आरसी कार्ड दे दूं और फिर ये चले ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है बेटी, ये लो रिमोट। चलने में तो यार गाइस ये वाली आरसी कार्ड ठीक है, सिंचन और चौप को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और गाइस मजे की बात ये है कि इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। अबे यार गाइस बच गए, ट्रक के नीचे से निकल गया। मानना पड़ेगा गाइस ये वाली आरसी कार्ड है तो काफी ज्यादा ओपी, और मुझे पक्का पता है गाइस सिंचन और चौप को पसंद आने वाली है। आमेटी कितना चलाओगे इसको? बस सिमियन थोड़ा सा टेस्ट करूंगा इसको। आमेटी बहुत बढ़िया आरसी कार है, 1,00,000 रुपए की दूंगा। दे दूंगा सिमियन तुम्हें 1,00,000 रुपए दे दूंगा, मगर गाइस मानना पड़ेगा आरसी कार्ड तो कुछ ज्यादा ही ओपी है। सामने से भी अच्छी है और गाइस बैक साइड से भी अच्छी है, और चलने में भी गाइस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फाइनली गाइस सिंचन के लिए एक आरसी कार्ड तो मुझे मिल गई है, लेकिन अभी मुझे 5-6 आरसी कार्ड और भी चाहिए। पूरा का पूरा लॉस सेंटोस छान मारूंगा, मगर गाइस एक भी आरसी कार्ड मिस नहीं करूंगा। एक काम करता हूं कि देखता हूं कि इस वाले ट्रक के नीचे से मेरी आरसी कार्ड जाती है या फिर नहीं। अबे यार गाइस चली गई। मानना पड़ेगा गाइस आरसी कार्ड काफी ज्यादा ओपी है और मुझे तो बहुत पसंद आई है। आई होप कि सिंचन को भी पसंद आएगी। सुबह सुबह आप लोगों ने देखा था कि सिंचन घास काटने वाली मशीन को चला रहा था, मुझे भी देख के रोना आ गया था गाइस। इसलिए मैं आज सिंचन चौप के सारे की सारी आरसी कार्ड को लेकर जाने वाला हूं। ये वाली आरसी कार्ड तो गाइस एक डन हो गई, ये काफी ज्यादा ओपी है और है भी सस्ती गाइस, 1,00,000 रुपए में मिल गई हम लोग को। अब बेटी कैसी लगी? सिमियन बहुत ही ज्यादा ओपी है। अभी जल्दी से मैं इसको अपनी गाड़ी के अंदर रखता हूं, लेकिन सिमियन वो बात कुछ ऐसी है ना कि मुझे तुम एक काम करोगे, लॉस सेंटोस की सारी आरसी कार्ड की लोकेशन बता दो। हां बेटी इतनी आरसी कार को क्या करोगे? सिमियन आज मैं सिंचन को सारी की सारी आरसी कार्ड देने वाला हूं। लॉस सेंटोस के अंदर जितनी भी आरसी कार्ड है तो मुझे सबकी लोकेशन बता दो। लेकिन हां बेटी सारी की सारी आरसी कार्ड आज चुराओगे क्या? हां ना सिमियन, आज मैं सिंचन को लॉस सेंटोस की सारी आरसी कार्ड देने वाला हूं, क्योंकि आएगा ये आरसी कार का लास्ट एपिसोड है, तो इसमें आप लोग को सारी की सारी आरसी कार्ड देखने को मिलेगी। और बिलीव मी गाइस वो सारी की सारी आरसी कार्ड बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाली है, और हम लोग एक एक करके सारी की सारी आरसी कार्ड को टेस्ट भी करेंगे। ये रेड वाली आरसी कार्ड तो हम लोगों ने टेस्ट कर ली और बिलीव मी ये काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं सिंचन को एक ऐसी आरसी कार्ड गिफ्ट करूं जिसकी स्पीड लगभग 1,000 तक हो। हां वैसे सिमियन एक काम करो कि मुझे कोई ऐसी आरसी कार्ड बताओ जिसकी स्पीड 1,000 तक हो। हां बेटी 1,000 स्पीड वाली आरसी कार्ड? पागल पागल हो गए क्या? क्यों सिमियन नहीं मिलेगी क्या? नहीं नहीं मिल तो जाएगी, लेकिन बहुत महंगी होगी। 1,00,000 की मिलेगी? 1,00,000 रुपए की? 1,00,000 तो मेरे पास नहीं है। अच्छा ठीक है पहले मेरे 1,00,000 रुपए तो दो। हाँ सिमियन तुम्हारे 1,00,000 रुपए तो पड़े हुए मेरे पास, तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो, जल्दी से दे दो मुझे। अच्छा अच्छा देता हूँ, पहले तो मुझे बताओगे दूसरी आरसी कार किधर मिलेगी? आमेटी मुझे 3 आरसी कार की लोकेशन तो पता है, जिनमें से एक आरसी कार ऐसी है जिसमें आप बैठ के उसको चला भी सकते हो। क्या बात कर रहे हो सिमियन? हाँ हाँ बेटी वो आरसी कार लेकिन 2,00,000 की है। अच्छा पैसे वैसे को छोड़ो, देखो मैं पैसे नहीं खर्च करना चाहता हूँ, मैं उन वाली आरसी कार को चुरा लूंगा। ठीक है आमेटी फिर मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है सिमियन जल्दी से मुझे लोकेशन भेजो, लेकिन तुम मुझे वैसे बताओ तो सही कि वो है कहाँ पर? बेटी एक आरसी कार तो बीच साइड के ऊपर जो पार्क है उधर है, और दूसरी आरसी कार एयरपोर्ट में है, और एक आरसी कार मेज बिल्डिंग के पास है। अच्छा चलो ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भी भेज दो। लेकिन आमेटी मेरे 1,00,000 रुपए किधर है? हाँ सिमियन वो 1,00,000 रुपए मेरे घर में पड़े हुए, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है आमेटी मुझे पता है तुम मुझे पैसे दोगे नहीं। नहीं नहीं सिमियन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 1,00,000 रुपए दे दूंगा तुम्हें। तो अगर हम लोग की गाड़ी के पीछे एक आरसी कार तो आ गई है, लेकिन अभी हम लोग ने अपनी गाड़ी के पीछे की सारी की सारी जगह को भरना है। तो एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग बीच पर जाते हैं, क्योंकि अगर बीच यहाँ से नजदीक है, उसके बाद हम लोग को एयरपोर्ट भी जाना
जाना है, फिर मेज बिल्डिंग के पास भी जाना है। सिमियोन ने तो मुझे आगे 3 गाड़ियों की लोकेशन बताई है, लेकिन मैं 5-6 गाड़ियां लेके जाने वाला हूं। तो एक काम करता हूं, जल्दी से मैं बीच पे जाके आप लोग से मिलता हूं। हम लोग फाइनली लॉस सैंटोस की बीच साइड पर तो आ गए, और आप लोग को सामने पार्क भी दिख रहा होगा। सिमियोन ने मुझे ये लोकेशन बताई है। आई होप कि गाइस हम लोग को यहां पे आरसी कार मिल जाएगी। हां वैसे गाइस आरसी कार तो हम लोग को चाहिए, तो एक काम करता हूं अपनी गाड़ी को यहीं से ऊपर ले जाता हूं। हम लोग की गाड़ी है तो काफी ज्यादा ओपी, छोटी मोटी सीढ़ियां तो चढ़ी लेगी। फाइनली गाइस हम लोग की गाड़ी ऊपर भी आ गई है, और सिमियोन ने मुझे एग्जैक्ट लोकेशन भेजी है इस वाले झूले की, मगर यहाँ पर तो आरसी कार दिखाई नहीं दे रही है। हाँ वैसे गाइस यहाँ पर तो कोई भी आरसी कार नहीं है। आइए आइए सर, झूला खाएंगे क्या? नहीं नहीं झूला नहीं खाऊंगा, आरसी कार चाहिए मुझे। हैं आरसी कार चाहिए तुम्हें? तुम्हें पता है वो वाली आरसी कार किसकी है? नहीं तुम बताओ किसकी है। वो वाली आरसी कार मेरे बेटे की है। लेकिन मुझे वो वाली आरसी कार चाहिए होगी अपने छोटे भाई के लिए। छोटे भाई के लिए आरसी कार चाहिए? हाँ छोटे भाई के लिए आरसी कार चाहिए। मार क्यों रहे हो? ये तो गाइस कुछ ज्यादा ही पागल हो गया, इतने ज्यादा मुक्के मार दिए इसने मुझे, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये ले ये भी ले, और एक काम करके ये भी ले। अभी तक मर नहीं रहा गाइस, काफी ज्यादा ओपी है लगता है कि अभी क्या। हाँ वैसे गाइस अभी चला गया, फजूल में इतने ज्यादा मुक्के मार दिए इसने मुझे, और साथ में इसने मुझे बताया भी नहीं कि आरसी कार किधर है। मुझे खुद ही ढूंढना होगा। ये वाला जो झूला है ना, इसके आसपास कहीं पे आरसी कार होगी, या फिर इस वाले रोलर कोस्टर के अंदर होगी, या फिर इस वाले झूले के ऊपर होगी। क्योंकि गाइस सिमियोन ने लोकेशन तो मुझे यही बताई है। एक काम करते हैं अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ के देखता हूँ, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है गाइस सिमियोन ने मुझे गलत लोकेशन बता दी है। यहाँ पर तो दूर दूर तक मुझे कोई भी आरसी कार दिखाई नहीं दे रही है। इस वाले झूले के ऊपर जा सकता हूँ क्या? मगर नहीं गाइस यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। एक काम करता हूँ, जल्दी से इस वाले झूले के ऊपर बैठता हूँ। अभी यार गाइस ये वाला झूला मुझे ऊपर की तरफ लेके जाएगा, और फिर मुझे आरसी कार दिखाई दे देगी। धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और गाइस मेरे साथ काफी ज्यादा लोग हैं। वैसे मैं कभी इस वाले झूले के ऊपर बैठा तो नहीं हूँ। आई होप कि गाइस ये ज्यादा तेज नहीं चलेगा, मुझे अपनी आंखें खुली रखनी है। आरसी कार गाइस यहीं कहीं पर होनी चाहिए। धीरे धीरे झूला ऊपर तो जा रहा है, लेकिन वेट यार गाइस आप लोग देख रहे हो, सामने हम लोग को आरसी कार मिल गई। अभी पता नहीं आप लोग को दिखाई दे रही है या फिर नहीं, मगर गाइस मुझे आरसी कार दिखाई दे गई है। सामने जो व्हाइट वाला पोल है ना, इस वाले पोल के ऊपर गाइस आरसी कार है। आरसी कार तो मुझे दिख गई, अभी ये झूला नीचे कब आएगा? यार गाइस पता नहीं ये कब नीचे आएगा। जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो यार गाइस हम लोग कुछ ज्यादा ही ऊपर आ गए। आप लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से जंप मार दूं क्या? वैसे नहीं यार गाइस ये काफी ज्यादा ऊंचा है, अगर तो मैंने यहाँ से जंप मारी तो यार गाइस कुछ भी बचेगा नहीं। झूले के नीचे आने का वेट करते हैं, और ये लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? हाँ भाई पागल वागल हो गए क्या, देख किस तरह रहे हो मुझे? क्योंकि तुम झूले पे बैठ के बहुत फनी लग रहे हो। फाइनली आ गए इस नूबड़े झूले से तो मैं उतर गया, लेकिन यहाँ पे ये बंदा मुझे देख के हंस रहा था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आरसी कार की लोकेशन आ गए हम लोग को पता चल गई है। वो आप लोग देख रहे हो ऊपर, बिल्कुल इस व्हाइट वाले पिलर के ऊपर आरसी कार पड़ी हुई है। लेकिन अब मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा कैसे? इस वाले पोल के ऊपर तो मैं चढ़ नहीं सकता, क्योंकि यार गाइस मैं मंकी तो हूँ नहीं। तो फिर यार गाइस यहाँ पे रोलर कोस्टर का ट्रैक बना हुआ है। हाँ मुझे लगता है कि मुझे इस वाले ट्रैक के पास जाना होगा। एक काम करता हूँ कि यहाँ से जंप करता हूँ सीढ़ियों की तरफ, और अभी फटाफट से यहाँ से ऊपर की तरफ जाता हूँ, और यहाँ पे खड़ी हुई है रोलर कोस्टर। मगर यार गाइस रोलर कोस्टर तो कुछ ज्यादा स्पीड से चलती है, हम लोग को ये नहीं चाहिए। नहीं यार गाइस हम लोग को रोलर कोस्टर नहीं चाहिए, हम लोग को आरसी कार के पास जाना है। और गाइस आरसी कार खड़ी हुई है वहाँ पर, और रोलर कोस्टर का ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर। अब क्या करूँ यार गाइस, अभी तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल होती है। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे रोलर कोस्टर पे बैठूंगा तो सही, लेकिन तुम रोलर कोस्टर को वहाँ पे रोक सकते हो उस पिलर के पास? अरे नहीं नहीं रोलर कोस्टर तो यहीं पे आकर रुकेगी, बीच में नहीं रुकती। अच्छा चलो ठीक है फिर रहने दो, ये बंदा बोल रहा है कि रोलर कोस्टर बीच में नहीं रुकती, तो मुझे आगे इस वाले ट्रैक से खुद ही जाना होगा। पाइप तो आगे बहुत ही छोटा है, अगर तो मैं ऊपर जाके नीचे गिर गया तो आगे सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन आगे करना पड़ेगा, सिंचन के लिए करना पड़ेगा। ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ूंगा, जहाँ पे भी रास्ता सीधा होगा आगे वहाँ पे भाग लूंगा, मगर ज्यादा हम लोगों ने भागना नहीं है। क्योंकि आगे अगर तो मैं ज्यादा तेज भागा तो फिर नीचे गिर सकता हूँ। धीरे धीरे हम लोग ऊपर तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आगे पीछे से रोलर कोस्टर आ गई ना तो फिर मैं बचूंगा नहीं, मुझे आगे नीचे जंप करना होगा। आई होप कि आगे वो वाला बंदा रोलर कोस्टर को चलाएगा नहीं। आरसी कार कहाँ गई? वो रही है गाइस, आरसी कार ऊपर है, मुझे जल्दी से उस वाली आरसी कार के पास जाना है। लेकिन यार गाइस टाइम बहुत लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से रोलर कोस्टर आ जाए। ये रही है गाइस आरसी कार तो यहाँ पर है, लेकिन मैं इतनी ऊपर जा नहीं सकता हूँ। एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा और ऊपर जाता हूँ। आप लोग गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम लोग को सारी की सारी आरसी कार मिलने वाली है। और सिंचन भी गाइस आज बहुत ही ज्यादा खुश होगा, क्योंकि आप लोगों ने सिंचन की शक्ल देखी थी गाइस, वो कितना ज्यादा उदास था। घास चलाने वाली मशीन को आरसी कार समझ के चला रहा था, इससे ज्यादा दुख की बात क्या ही होगी। लेकिन गाइस फाइनली हम लोग आरसी कार के पास पहुंच गए, और गाइस ये भी टॉय स्टोरी वाली आरसी कार है। रेड वाली आरसी कार तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे रख दी है, अभी बारी है इस वाली आरसी कार को लेके जाने की। आरसी कार तो गाइस मैंने उठा ली है, लेकिन अब मैं नीचे कैसे जाऊंगा? अगर तो मैंने यहाँ से जंप किया तो गाइस आरसी कार टूट जाएगी। एक काम करता हूं कि ये वाला रास्ता पकड़ के जाता हूं, हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जाना होगा। एक काम करता हूं कि यहां से जाता हूं इस वाले झूले के ऊपर। अबे नहीं 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 यार गाइस गिर गया, आरसी कार टूटी तो नहीं है ना? नहीं यार गाइस आरसी कार सेफ है। अभी जल्दी से अपनी इस वाली आरसी कार को भी रखता हूँ गाड़ी के अंदर, मगर वेट मैंने अभी तक इसको चलाया नहीं है। हाँ वैसे गाइस मैं इस वाली आरसी कार को टेस्ट भी करना चाहता हूँ। गाड़ी तो गाइस ये वाली भी दिखने में काफी ज्यादा ओपी है, और ये तो मुझे कोई मॉन्स्टर आरसी कार लग रही है। सिंचन इस वाली आरसी कार को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। इसकी सस्पेंशन भी गाइस काफी ज्यादा ओपी है, लेकिन एक काम करता हूँ अभी इसको बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। हाँ वैसे गाइस ये वाली आरसी कार तो पहले वाली आरसी कार से भी ज्यादा ओपी है। ओ
भोरिया गाइस है भी कुछ ज्यादा ही फास्ट, और इसके आगे तो आगे दो आंखें भी लगी हुई है। मानना पड़ेगा गाइस आरसी कार तो काफी ज्यादा ओपी है। मैंने आप लोग को बोला था ना गाइस, आज मैं लॉस एंटोस की सारी आरसी कार्स को चुराने वाला हूं। पहली वाली आरसी कार तो गाइस हम लोग के पास रेड कलर की है, और दूसरी आ गाइस ये ग्रीन वाली आरसी कार है, और बिलीव मी गाइस ये तो किसी मॉन्स्टर ट्रक से कम नहीं है। और मुझे लगता है कि गाइस ये सारी की सारी जगहों पे चढ़ सकती है। एक काम करते हैं कि हम लोग इसको यहां से ऊपर चढ़ा के देखते हैं। चढ़ गई यार गाइस, यहां से भी ऊपर चढ़ गई। इसका मतलब ये कि ये वाली आरसी कार कहीं पे भी जा सकती है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट और करना चाहता हूं। सामने सीढ़ियां हैं, देखता हूं कि गाइस ये वाली आरसी कार सीढ़ियों के ऊपर चढ़ेगी या फिर नहीं। मगर वेट, ये तो उल्टी हो गई। अभी मुझे इस वाली आरसी कार का सही से टेस्ट लेना है। ये वाली सीढ़ियां हैं तो काफी ज्यादा ऊंची, मगर गाइस आप लोग देख रहे हो, मानना पड़ेगा आरसी कार बहुत ही ज्यादा ओपी है। सीढ़ियों के ऊपर भी चली गई। अभी और मैं इसका कौन सा टेस्ट लूं? एक काम करता हूं, इस वाली बीच के ऊपर चला के देखता हूं। अबे यार गाइस ये तो बीच पे भी चल रही है। पानी में चलती है क्या? थोड़े से पानी में हम लोग इसको लेके जाएंगे। अबे यार गाइस पानी के अंदर भी चलती है। सिंचन इस वाली आरसी कार को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होगा। मगर गाइस अभी हम लोग को चार पांच आरसी कार और भी चाहिए। एक काम करता हूं, जल्दी से इस वाली आरसी कार को अपनी गाड़ी के अंदर रखता हूं, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बाकी की आरसी कार को चुराने के लिए। ये वाली सीढ़ियां थोड़ी सी ऊपर है। अबे यार गाइस यहां पे भी चढ़ गई, मगर यार गाइस यहां पर आके रुक गई। नहीं, ये वाली आरसी कार नहीं रुकेगी गाइस, ये हर जगह पे जा सकती है। इन वाली सीढ़ियों के ऊपर गाइस इवन कि हम लोग की गाड़ी भी नहीं आती, मगर गाइस ये वाली आरसी कार आ गई है। अभी मुझे जल्दी से इसको अपनी गाड़ी के पास लेकर आना होगा, मगर इसकी हैंडलिंग ज्यादा अच्छी नहीं है। हम लोग इस वाली गाड़ी को स्पीड में टर्न नहीं कर सकते हैं। बे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, सबके सब लोग हट जाओ, सबके सब लोग हट जाओ। और ये आप लोग देख रहे गाइस बीच में खड़े हुए, किस्मत अच्छी है इन लोग की बच गए। मगर वेट यार गाइस मैं गलत जगह पर आ गया हूं। झूला किधर है? झूला तो पीछे है। मुझे थोड़ा सा अपनी गाड़ी को रिवर्स करना होगा। और यार गाइस ये वाला बंदा मेरी गाड़ी के साथ फाइट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज्यादा ही नूबड़ा है। मेरी गाड़ी किधर है? मेरी गाड़ी यार गाइस यहां पे खड़ी हुई है। अभी जल्दी से अपनी इस वाली आरसी कार को गाड़ी के अंदर रखता हूं। तो यार गाइस फाइनली हम लोग के पास दो आरसी कार्स तो आ चुकी हैं, और ये दोनों की दोनों आरसी कार बहुत ही ज्यादा ओपी हैं। अभी मुझे जल्दी से जाना होगा तीसरी आरसी कार के पास, जिसकी लोकेशन सिमियन ने मुझे बताई है कि एयरपोर्ट के पास है। एयरपोर्ट यार गाइस यहां से ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन मुझे एक शॉर्टकट पता है। हम लोग शॉर्टकट लेके जाएंगे एयरपोर्ट के पास। अपनी गाड़ी को यहां से नीचे उतारूंगा। और यार गाइस वो जो सामने आप लोग को चीज दिखाई दे रही है ना, ये लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट है। तो मैं काम करता हूं आप लोग से एयरपोर्ट जाके मिलता हूं। एयरपोर्ट के पास तो यार गाइस हम लोग आ गए, लेकिन हम लोग एंट्री करेंगे यहां से। वे खुल जा, खुल गया गाइस दरवाजा, खुल गया। वैसे नॉर्मली यार गाइस कभी कभी ये वाला दरवाजा खुलता भी नहीं है, लेकिन हम लोग ऑलमोस्ट रनवे के पास आ गए हैं। और एक जहाज भी यहाँ पे लैंड कर रहा है, मगर हम लोग को जहाज नहीं, हम लोग को आरसी कार चाहिए। मैंने सिंचो चॉप को बोला था कि मैं अपनी गाड़ी की पीछे वाली सारे की सारी जगह को भर दूंगा, और हम लोग की गाड़ी के पीछे अभी भी बहुत जगह है। भरेंगे गाइस पूरी की पूरी जगह को भर देंगे। मगर सिमियन ने अभी तक मुझे लोकेशन भेजी नहीं है, उसने तो मुझे बस बोला था कि एयरपोर्ट के अंदर चले जाओ। एक काम करता हूं कि सिमियन को कॉल करके पता करता हूं कहां गया सिमियन का नंबर। ये रहा सिमियन, एयरपोर्ट के अंदर आ गया, मगर आरसी कार दिखाई नहीं दे रही है। हां बेटी एयरपोर्ट में बड़ा सा टावर दिखाई दे रहा है क्या? हां एक टावर दिखाई दे तो रहा है। हां बेटी इसी के ऊपर आरसी कार है। सिमियन बोल रहा है कि बड़े से टावर के ऊपर आरसी कार है। टावर तो गाइस यहां पर एक ही है, लेकिन ऊपर जाने का रास्ता किधर है? हां वैसे गाइस यहां पे सीढ़ियां लगी हुई हैं। एक काम करता हूं कि जल्दी से टावर के अंदर जाता हूं। आई होप कि गाइस ये वाला गेट खुल जाएगा। खुल गया, गेट तो खुल गया। अभी यहां से जंप करूंगा और फिर हम लोग आ जाएंगे ऊपर। मगर सिमियन बोल रहा है कि हम लोग टावर के ऊपर जाना है, और टावर के ऊपर जाने के लिए तो गाइस यहां पे ये वाली सीढ़ियां लगी हुई हैं। अभी जल्दी से मैं ऊपर जाता हूं। आप लोग यार तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे प्रेस कर देना। सिंचन यार गाइस आज बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। हम लोग का छोटा भाई है तो यार हम लोग को उसका ख्याल तो करना चाहिए। बेचारा घास काटने वाली मशीन को चला रहा था, वो भी अपने सर से। हाथ से चलाता फिर भी मुझे दुख नहीं होता, मगर यार गाइस वो तो अपने सर से चला रहा था मशीन को। लेकिन वेट यार गाइस ये वाला रास्ता तो यहां पे खत्म हो गया है। यहां से और ऊपर जाने के लिए मुझे सामने वाली सीढ़ियों को पकड़ना होगा, लेकिन वहां तक अब मैं जाऊंगा कैसे? लगता है कि फंस गए। धीरे धीरे यार गाइस यहां पे जंप करते हैं, और अभी मुझे यहां से इस वाले पोल के ऊपर जाना होगा। आई होप कि मैं नीचे नहीं गिरूंगा। मर गए यार गाइस, नीचे गिर गया। सारा का सारा प्लान चौपड़ नहीं हुआ? अबे यार गाइस मैं ज्यादा नीचे नहीं गया हूं। यहां पर एक और सीढ़ियां लगी हुई हैं, और मुझे लगता है कि गाइस ये वाली सीढ़ी हम लोग को सीधा ऊपर लेके जाएगी। हां वैसे गाइस ये वाली सीढ़ी ठीक है, पहुंचेंगे गाइस हम लोग को ऊपर तो पहुंचना होगा। और टावर भी आ गाइस काफी ज्यादा बड़ा है। फाइनली यहां पर एक और सीढ़ी लगी हुई है। अभी हम लोग फटाफट से इसके भी ऊपर जाते हैं, और मुझे लगता है कि गाइस ये वाली सीढ़ी हम लोग को टावर के ऊपर पहुंचा देगी। हां वैसे गाइस ये वाली सीढ़ी जाएगी ऊपर, मगर वेट ये वाली सीढ़ी तो यहां पे खत्म हो गई। हम लोगों ने और भी ऊपर जाना है, मगर यार गाइस सामने सीढ़ी है तो सही। मैं फजूल में इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। आप लोग देख रहे हो हम लोग काफी ज्यादा ऊंचाई पर आ चुके हैं, लेकिन नीचे मेरी गाड़ी और आरसी कार ऐसे ही खड़ी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि गाइस मेरी कोई आरसी कार को चोरी कर ले। और फाइनली गाइस हम लोग टावर के ऊपर तो आ चुके हैं, और वेट यहां पर एक स्नाइपर भी है। गन तो मैंने उठा लिया, मगर मुझे अभी गन नहीं चाहिए, मुझे आरसी कार चाहिए। आरसी कार कहां पर होगी? यहां कहीं पे तो मुझे कोई भी आरसी कार दिखाई नहीं दे रही, तो फिर आरसी कार है कहां पर? मैं यहां से ऊपर जा सकता हूं क्या? हां वैसे गाइस मुझे ऊपर तो जाना होगा, लेकिन अब मैं यहां से ऊपर जाऊंगा कैसे? और गाइस ऊपर मुझे कोई आरसी कार दिखाई भी तो नहीं दे रही है। ये रेड कलर का रडार तो गाइस गोल गोल घूम रहा है, मगर आरसी कार दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूंगा? सिमियन ने तो ये लोकेशन बताई थी, यहाँ पर से तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ स्नाइपर ही मिली है, और तो गाइस हम लोग को कुछ भी नहीं मिला। अब क्या करूँ? स्नाइपर को यूज करूँ क्या? मगर गाइस स्नाइपर को यूज करके अब मैं क्या ही करूंगा। एक काम करता हूँ, इन लोग को डरा देता हूँ। अबे यार गाइस डर गए, लेकिन आरसी कार
किधर है? नहीं छोड़ूंगा, सिमियन को नहीं छोड़ूंगा। एक काम करता हूँ, इस तरह जनरेटर के ऊपर जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ यार गाइस, नहीं ये आरसी कार यहाँ पर है ही नहीं। सिमियन अभी मुझसे बचेगा नहीं। किधर गया सिमियन का नंबर ये रहा। अबे सिमियन टावर के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, आरसी कार तो है नहीं। हामिटी कौन से टावर के ऊपर खड़े हुए हो जिसके ऊपर रेड कलर का रडार है? अरे नहीं नहीं हामिटी एक और टावर है एयरपोर्ट का, बड़ा वाला टावर। ये क्या बोल रहे हैं, बड़ा वाला टावर? इससे बड़ा भी टावर होता है क्या? सबसे ज्यादा बड़ा टावर तो यही है। लेकिन वेट यार गाइस, कहीं सिमियन सामने वाले टावर की बात तो नहीं कर रहा? हाँ वैसे मुझे लगता है कि सिमियन सामने वाले टावर की बात कर रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जूम इन करके देखता हूँ। हाँ वैसे आएगा सिमियन इस वाले टावर की बात कर रहा होगा। अगर तो मैं सीढ़ियों से नीचे गया तो मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। तो एक काम करता हूँ कि फटाफट से यहाँ से जंप करता हूँ और पैराशूट आएगा, हम लोग का खुल गया। फाइनली आएगा हम लोग बच गए और हम लोग की लैंडिंग भी कुछ ज्यादा ही ओपी हो चुकी है। अभी मुझे जाना है सामने वाले टावर के पास और वहाँ से हम लोग को मिलेगी तीसरी आरसी कार। लेकिन सामने वाले टावर तक जाने का रास्ता कौन सा है? हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से जाते हैं और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे राइट साइड पर और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे लेफ्ट साइड पर जो कि बंद है। तो फिर क्या करूँ? हाँ वैसे अगर सामने रास्ता है तो सही। एक तो सिमियन भी आएगा पूरी बात बताता नहीं है ना, उसने बोला था कि टावर के पास जाओ और टावर तो आएगा मुझे सामने एक ही दिख रहा था, मगर बाद में सिमियन बोला कि बड़ा वाला टावर जो कि वो पीछे लगा हुआ है। अभी एक काम करता हूँ कि जल्दी से उसके पास जाता हूँ। किधर गया टावर, किधर गया ये रहा। अबे रास्ता खोलो। ये क्या नूबड़ा बंदा है, रास्ता क्यों नहीं खोल रहा है? दूसरी साइड से जाके देखते हैं, इन्होंने तो आगे रास्ता ही बंद करके रखा है। अबे खुल जा खुल जा खुल जा, किस चीज का वेट कर रहा है? लगता है कि आगे एयरपोर्ट बंद हो गया है। क्या करूं मैं इसको, ये किस तरह टूटेगा? रॉकेट लॉन्चर से ट्राई करता हूं। गया है आगे, खुल गया, बैरियर यहां पे खुल चुका है। अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ टावर के ऊपर जाना है और टावर वो रहा कुछ ज्यादा दूर है, ये तो एयरपोर्ट के बीच में है और मैं तो रनवे पे चला गया था। सिमियन भी आ गया, कुछ भी बोलता है। वैसे सिमियन ने मुझे एयरपोर्ट के बोला था, मैं तो रनवे के अंदर खुद ही चला गया था। मगर फाइनली हम लोग टावर के पास पहुंच गए, मगर इस वाले टावर से ऊपर कैसे जाऊंगा? यहाँ पे तो कोई सीढ़ी भी नहीं लगी हुई। नहीं 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 यहाँ का ऐसे नहीं हो सकता है, ये मैं कहाँ पे आके फंस गया हूँ? टावर के ऊपर जाने के लिए तो गाइस कोई भी रास्ता नहीं है। इसका दरवाजा खोल के देखते हैं, मगर नहीं आएगा, दरवाजा बंद है। सारा का सारा प्लान कुछ ज्यादा चौपट हो गया। तुम लोग यहाँ पे बाहर क्या कर रहे हो? अंदर हम लोग नहीं जा सकते क्या? नहीं नहीं टावर क्लोज है। अच्छा टावर क्लोज है, अब क्या करूँ यार? आरसी कार तो मुझे चाहिए होगी और उसके लिए मुझे टावर के ऊपर जाना है, कुछ ना कुछ सोचना होगा। वेट यार मेरे पास एक प्लान है। प्लान की कमी तो यार हम लोग के पास होती नहीं है, तो अभी एक काम कर दो, जल्दी से एयरपोर्ट के अंदर जाके हेलीकॉप्टर को चोरी करता हूँ और फिर हेलीकॉप्टर को सीधा लेके जाऊंगा इस वाले टावर के ऊपर। हाँ वैसे आएगा ये वाला प्लान ठीक रहेगा, गाड़ी को लेके जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग की गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी। फाइनली आएगा हम लोग एयरपोर्ट के अंदर तो आ चुके हैं, हम लोग को यहाँ पे हेलीकॉप्टर भी मिल गया। अभी जल्दी से इस वाले हेलीकॉप्टर को मुझे टावर के ऊपर लेके जाना है। लेकिन आएगा हेलीकॉप्टर का साइज बहुत बड़ा है, अभी पता नहीं टावर के ऊपर ये लैंड हो भी पाएगा यहाँ पे नहीं। इस वाली आरसी कार को लेना आएगा कुछ ज्यादा ही मुश्किल है, मगर पता नहीं आएगा आरसी कार होगी कौन सी। अभी तक तो हम लोग को रेड और ग्रीन वाली आरसी कार मिली और बिलीव में आएगा दोनों की दोनों आरसी कार काफी ज्यादा ओपी है। लेकिन अभी हम लोग को देखना होगा कि इस वाले टावर के ऊपर कौन सी आरसी कार है। मुझे यहाँ से कुछ ग्रीन कलर का दिखाई तो दे रहा है, लगता है कि यही आरसी कार है। हेलीकॉप्टर को लैंड कैसे करूँ? आई होप कि आ गाइस ये फटेगा नहीं। हो जा हो जा हो जा हो जा, लैंड हो जा लैंड हो जा। अबे नहीं कुछ ज्यादा ही आगे निकल गया, इतनी छोटी जगह के ऊपर हेलीकॉप्टर को लैंड करना भी आ गाइस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अभी हम लोग को करना तो होगा, सिंचन के लिए हम लोग को करना तो पड़ेगा और मुझे लगता है कि लैंड हो गया। लैंडिंग आ गाइस मानना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा ओपी की हम लोगों ने, इतनी छोटी सी जगह पे हेलीकॉप्टर को खड़ा कर दिया। अच्छा तो यार गाइस सिमियन इस वाली आरसी कार की बात कर रहा था, हम लोग इसके अंदर बैठ सकते हैं क्या? अबे यार गाइस हम लोग बैठ गए इसके अंदर। इस वाली आरसी कार को देख के आ गाइस सिंचन बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। लेकिन अब इसको नीचे कहाँ से लेके जाऊँ? एक काम करता हूँ, इसको जंप कराता हूँ ऊपर से नीचे या फिर हेलीकॉप्टर पे रख के लेके जाऊँ। नहीं यार गाइस मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इसी तरह नीचे उतारूँ। हम लोग की गाड़ी कहाँ पे पार्क की थी हम लोगों ने? मुझे लगता है कि यहीं पे थी। यार गाइस आई होप ये क्रैश नहीं होगी, मानना पड़ेगा गाइस कुछ ज्यादा ही ओपी आरसी कार है। लेकिन अभी मैं इसको यहाँ पे टेस्ट करने वाला हूँ। जे वाई टॉय कार आ गाइस सिंचन को बहुत ही ज्यादा ओपी लगने वाली है, क्योंकि इस पे तो सिंचर बैठ के इसको चला भी सकता है। और ये क्या है गाइस, इतनी नूबड़ी जंप हम लोगों ने मारी है और ये हम लोग को स्लोमो में दिखा रहे हैं जैसे क्या गाइस हम लोगों ने कुछ ज्यादा ओपी जंप मार दी। लेकिन खैर इतनी भी बुरी नहीं थी, आरसी कार के लिए गाइस ये वाली जंप ठीक है। इस वाली आरसी कार को भी गाइस हम लोगों ने टेस्ट कर लिया है, मगर नहीं 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 ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, इसकी गाड़ी को मैंने ठोक दिया था ना। हम लोग की गाड़ी किधर है? हम लोग की गाड़ी यार गाइस यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी फटाफट से मैं इस वाली आरसी कार को भी इसके अंदर रखता हूँ, मगर इसके अंदर तो आएगी नहीं। तो एक काम करता हूँ कि अपनी गाड़ी की छत के ऊपर खड़ी कर देता हूँ इसको। सिंचन यार गाइस आज बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है, ये ग्रीन वाली आरसी कार भी काफी ज्यादा ओपी हो जाएगा। ये जो ऊपर आरसी कार है ना, इसके अंदर सिंचन बैठ के इसको चला भी सकता है। लेकिन अभी सिमियन ने मुझे एक और लोकेशन बताई है जो कि है मेज बिल्डिंग के पास। मैंने सिंचन चौप को बोला था कि मैं अपनी सारी की सारी गाड़ी को भर के लेकर आऊंगा और मुझे तो लगता है कि गाड़ी में हम लोग की जगह है। अभी हम लोग की गाड़ी में एक गाड़ी की जगह है। हाँ वैसे गाइस एक गाड़ी या फिर दो भी आ सकती है, इसका मतलब ये कि हम लोग को और आरसी कार भी चाहिए होंगी। लेकिन सिमियन ने मुझे बोला था कि एक आरसी कार हम लोग को मेज बिल्डिंग के पास मिलेगी, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से जाता हूँ मेज बिल्डिंग के पास और फिर वहाँ पे जाके आप लोग से मिलता हूँ। तो यार गाइस फाइनली हम लोग मेज बिल्डिंग के पास तो आ चुके हैं, मगर अब मैं यहाँ पे आरसी कार को ढूंढूंगा कैसे? इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हो सकता है कि आरसी कार इसकी छत पर हो या फिर इसकी पार्किंग में भी हो सकती है। एक काम करता हूँ
पहले यहाँ पे जाके देखता हूँ। बल्कि नहीं आएगा, ये तो रास्ता बंद है। और अगर तुम्हें यहाँ पे आरसी कार को ढूंढने लग गया ना तो मुझे 10 घंटे लग जाएंगे। सिमियन से पूछता हूँ कि आगे आरसी कार की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है। सिमियन मेज बिल्डिंग के पास आ गया, आरसी कार कहाँ पर है? हामिटी, आरसी कार इसके लॉन में। लॉन बोले तो गार्डन में? हाँ हामिटी, गार्डन में ढूंढो। सिमियन बोल रहे हैं कि मेज बिल्डिंग के गार्डन में हम लोग को आरसी कार मिलेगी। और मेज बिल्डिंग का गार्डन है गाइस कुछ ज्यादा ही बड़ा है। एक काम करते हो, थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। एक तो आरसी कार होती भी कुछ ज्यादा छोटी है ना, तो उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मगर आया गाइस हम लोग ढूंढ लेंगे। आरसी कार को ढूंढे बगैर तो आया हम लोग कहीं पे भी नहीं जाने वाले हैं। लेकिन वेट आया गाइस, लेस्टर की कॉल आ गई। हामिटी मैंने पता लगा लिया तुम्हारे घर में चोरी किसने की है। और लेस्टर जल्दी बताओ किसने की है। हामिटी, माइकल ने। ये क्या बोल रहे हो, माइकल ने चोरी की है? हाँ हामिटी, माइकल ने तुम्हारे घर से आरसी कार को चोरी किया क्योंकि जिमी का दिल कर रहा था आरसी कार चलाने का। लेकिन माइकल ऐसा नहीं कर सकता। हामिटी अब ये तुम खुद पता लगा लो। लेस्टर तो बता रहे कि माइकल ने हम लोग के घर में चोरी की है क्योंकि जिमी का दिल कर रहा था आरसी कार चलाने का। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सेकंड गाइस, पहले मैं यहाँ पे आरसी कार को ढूंढ लूं, उसके बाद मैं माइकल का बंदोबस्त भी करता हूँ। यहाँ कहीं पे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है गाइस, पता नहीं आरसी कार कहाँ पर है। इतनी बड़ी मेज बिल्डिंग और इतना बड़ा गार्डन है इसका, हम लोग को थोड़ा सा और आगे जाके देखना होगा। आरसी कार को लिए बगैर तो यहाँ गाइस मैं नहीं जाने वाला क्योंकि हम लोग की गाड़ी के पीछे जगह है ना। मैंने सिंचन चौक को बोला था कि मैं सारी की सारी जगह को भर के लाऊंगा। मगर वेट यार गाइस, कि सिमियन इस वाली गाड़ी की बात तो नहीं कर रहा था। लेकिन ये तो आरसी कार नहीं है, ये तो टॉय कार है। एक काम करता हूं, इसको चला के देखता हूं। हां वैसे आ गाइस, ये टॉय कार है। इसको सिंचन बगैर लाइसेंस के भी चला सकता है और इसको चौप भी चला सकता है। काफी ज्यादा ओपी टॉय कार है। देखता हूं कि यहां से ऊपर जा पाएगी या फिर नहीं। अबे नहीं आ गाइस, इतनी भी ज्यादा ओपी नहीं है। मगर हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे। तो आ गाइस आप लोग देख रहे हो, यहां तक तो पहुंच गई। ये वाली आरसी कार है गाइस, मैं चौप को गिफ्ट करूंगा। बल्कि नहीं, आरसी कार तो नहीं बोलेंगे हम लोग इसको, हम लोग इसको टॉय कार बोल सकते हैं। तो ये वाली टॉय कार तो आ गाइस हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं चौप को। जल्दी से मैं इसको अपनी गाड़ी के ऊपर रखता हूं। उसके बाद आ गाइस सिंचन चौप को सरप्राइज दूंगा। ये लोग बहुत ही ज्यादा खुश होने वाले हैं। हम लोग की गाड़ी पे जगह तो काफी ज्यादा है, लेकिन अब इतने बड़े टॉय को मैं कहां पे रखूंगा। एक काम करता हूं कि अपनी गाड़ी के बोनट के ऊपर रख देता हूं। अभी तो आएगा यही ऑप्शन है हम लोग के पास। तो आएगा फाइनली हम लोग की गाड़ी अभी आरसी और टॉय कार से भर चुकी है। मुझे लगता है कि अभी हम लोग को घर जाना चाहिए। और वैसे आएगा काफी ज्यादा टाइम हो गया, सिंचन मेरा वेट कर रहा होगा। लेकिन मुझे माइकल का भी बंदोबस्त करना है। छोड़ूंगा नहीं आएगा, मैं माइकल को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी चोरी करूंगा ना माइकल के घर में कि आएगा माइकल पूरी जिंदगी याद करेगा। लेकिन आएगा अपने दोस्त के घर में चोरी करना अच्छी बात तो नहीं है, मगर ये बात माइकल को भी तो सोचनी चाहिए थी ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सबसे पहले मुझे सिंचन और चौप को ये वाली आरसी कार गिफ्ट करनी है, उसके बाद हम लोग बाकी का प्लान बनाएंगे। सिंचन अपनी आरसी कार को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होने वाला है। लेकिन वेट यार गाइस, यहाँ पे माइकल भी खड़ा हुआ है। माइकल की खबर हम लोग बाद में लेंगे। लेकिन सिंचन और चौप ये देखो, पूरी की पूरी गाड़ी भर के लेकर आ गया हूं। अरे मैं कितनी मस्त गाड़ी है यार। हाँ ना यार चौप, ये दो टॉय कार्स हैं जिसके अंदर बैठ के तुम लोग इसको चला भी सकते हो और तुम लोग को लाइसेंस की जरूरत भी नहीं है। अरे यार हमने आप कितने ज्यादा अच्छे। हाँ ना, इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ के मैं लॉस एंजेलिस में घूमूंगा। हाँ ना सिंचन, तुझे पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि इन वाली गाड़ियों का लाइसेंस की जरूरत होती नहीं है। मुझे पता है तू छोटा सा बच्चा है और तेरे पास लाइसेंस तो है नहीं। मगर सिंचन तू एक सेकंड यहाँ पर आ। अरे यार हमें ये तो दोनों के दोनों टॉय स्टोरी की आरसी कार्स हैं। हाँ ना सिंचन, टॉय स्टोरी की आरसी कार्स और बिल्ली में दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा ओपी है। रेड वाले की स्पीड तेज है और वो जो ग्रीन और ब्लू वाली है ना, वो किसी भी जगह पे चली जाती है। अरे यार हमें अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और यार हमें अभी इन वाली आरसी कार्स को मैं अपने साथ रख के सोऊंगा। हाँ सिंचन, दोबारा तेरी आरसी कार तो कोई भी चोरी नहीं करेगा। लेकिन जिसने पहले हम लोग की आरसी कार चोरी की, मैं जरा उससे तो बात कर लूं। अरे मैं मेरे लिए क्या लेकर आया यार? चौपिया तेरे लिए ये ब्लैक वाली टॉय कार लेकर आया हूँ। अरे वाह, वाकई में दिखने में बहुत खतरनाक है यार। चौपिया चलने में भी बहुत ज्यादा ओपी है। अरे वाह हामिटी, इतनी ज्यादा आरसी कार्स को लेकर आ गए। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहते हामिटी, कल रात को मैं तुम्हारे घर पर आया था लेकिन तुम सो रहे थे तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और सारी की सारी आरसी कार्स को लेकर चला गया। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुमने चोरी की है। अरे नहीं नहीं हामिटी, दोस्त के घर में भला कोई चोरी करता है क्या? सारी की सारी आरसी कार्स मेरे घर में पड़ी हुई है, तुम मुझे बताओ कब लेकर आऊं। माइकल तुम वो वाली आरसी कार्स कल लेकर आ जाना और मेरी तरफ से एक दो आरसी कार जिमी को गिफ्ट कर देना। चलो ठीक है हामिटी, जैसा तुम बोलो। तो यार गाइस मुझे पता था कि माइकल हम लोग के घर में चोरी नहीं कर सकता है। इस वाले गेम प्ले को हम लोग करते हैं यहीं पर। अगर आप लोग को ये वाला गेम प्ले ओपी लगा हो तो यार गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलता हूं एक और गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।